स्वागत है आप सबका फातिमा खान चैनल पर। और आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, चिकन बिरयानी। उसके लिए मैंने लिया 500 ग्राम चिकन और इसको हम अभी मैरिनेट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए वो सब देख लो। पहले ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। ये होममेड बिरयानी मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट करके बताएं। और ये मैंने 1 कप दही लिया है। और ये कुछ सूखे मसाले हैं, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 8-10 लौंग है, काली मिरी है। इनको हमें दरदरा कूट लेना है। और अब हम चिकन मैरिनेट करते हैं। चिकन मैरिनेट के लिए हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट जो 2 चम्मच है, 1 चम्मच नमक और दही ले लेंगे। ये थिक दही है, इस पानी वाली दही नहीं है ये। और ये होममेड बिरयानी मसाला। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसे 1 घंटे के लिए साइड पर रखना है। इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। हमने चिकन तो मैरिनेट करने रख दिया है। अब ये 4 प्याज ली है मैंने मीडियम साइज की। इसको हम ब्रिस्ता करके लेंगे और ये टमाटर की प्यूरी बनाएंगे और उसमें कुछ हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो पहले हम ब्रिस्ता बना लेते हैं, ठीक है। ये अखा मसाला हमने इसको दरदरा कूट लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं कूटना, बस इस तरह से थोड़े पीसेस हो जाए, ठीक है। इसको साइड पर रखते हैं। अब ये प्याज को मैंने पीस लिया। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। और यहाँ मैंने और यहाँ टमाटर की प्यूरी और हरी मिर्ची को पीस के लिया है। ये हम दम बिरयानी बना रहे हैं, चिकन दम बिरयानी। तो ये उसी का प्रोसेस है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक के गोल्डन ब्राउन करना है हमें इसको। प्याज हमारी अब गोल्डन हो रही है। अब इसको निकाल के हम साइड में रख लेंगे और राइस बॉईल करेंगे। इसी तेल को हम बिरयानी में यूज़ करेंगे। और ये मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, ये थोड़ी ठंडी हो जाएंगी तो इसको हाथों से मसल के ये कर लेंगे, या फिर मिक्सर में भी इसको हम बारीक कर सकते हैं, बट मैं हाथों से ही कर लूँगी। ये बासमती राइस लिया है मैंने, जिसको 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। अब इसे हम बॉईल कर लेंगे। तेल में डालूँगी, पहले मैं पतीले में डालूंगी थोड़ा तेल और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा जीरा। इसमें हम थोड़ा जीरा डालेंगे। जीरा फ्राई हो गया। चावल इसमें पूरी तरह से डूब गए, इतना पानी लेना है ताकि चावल बॉईल हो जाए इसमें। और गरम पानी में ही चावल को डालना है। कवर कर लूंगी, पानी को बॉईल आने दूंगी, उसके बाद इसमें चावल ऐड करेंगे। मैं यहाँ एक कोयला लाल कर रही हूँ, जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था उसके अंदर इसको डालेंगे। इसको पूरी तरह से पूरे लाल करके उस चिकन में डाल देंगे ताकि उसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए
जैसे कि बाहर बटियारों के यहाँ मिलता है उस टाइप में। राइस तो हम राइस का वाटर तो हमने बॉईल करने रख दिया था, जब तक अब हमारा कोयला भी लाल हो चुका है। अब इस कोयले को हम इस प्याली में लेंगे और ये जो प्यूरी हमने बना के रखी टमाटर और हरी मिर्च की, इसको भी इसी में ऐड करना है। और ये प्याज का ब्रिस्ता जो मैंने हाथ से प्यूरी और प्याज का ब्रिस्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो कोयला हमारा लाल है उसको भी इसमें। अब ये हमारा राइस बॉईल हो जाए वहाँ तक के, इसको 80% राइस बॉईल होगा 80% तब इसे हम छान के निकाल देंगे। अब इसको पकने देंगे। हमारे राइस बॉईल हो चुके हैं, अब इसे हम इसमें छान लेते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी हरा धनिया और थोड़ा पुदीना। ये हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन है जो हमने 1 घंटा पहले मैरिनेट किया था। और अब इसको हम पूरे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये पुदीना और ये सब के साथ मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसको मैं, ये मेरे पास एक छोटी सी प्यारी सी देचकी है जो कि मेरी अलीना को गिफ्ट में मिला था। आज मैं इसी छोटी सी देग में बिरयानी बना रही हूँ, हमारी बिरयानी भटियारा स्टाइल में जो बन रही है। पूरे इसके पेंदे में पूरा फैला देंगे बोटियों को मसालों के साथ। बस ये ब्लू स्टार कंपनी का कलर है जो आपको किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा। और ये येलो कलर है और ये ग्रीन कलर है। अभी मैं ये थोड़े चावल, मैंने चावलों को 3 पार्ट में डिवाइड किया है अलग अलग, थोड़े इसमें है थोड़े और है और थोड़े अलग है। अभी मैं इसमें येलो कलर मिक्स करूँगी। अब ये मैंने येलो कलर इसको लगा दिया है, अब हम ग्रीन कलर लगाएंगे। अब मैं थोड़ा ग्रीन कलर ले लेती हूँ। ये हमारा बचा हुआ ब्रिस्ता का ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी और इसी के अंदर मैंने जो मेरा कूटा हुआ मसाला आपको बताया था हक्का मसाला। अब ये मैंने येलो कलर इसको लगा दिया है, अब हम ग्रीन कलर लगाएंगे। अब मैं थोड़ा ग्रीन कलर ले लेती हूँ। ये हमारा बचा हुआ ब्रिस्ता का ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी और इसी के अंदर मैंने जो मेरा कूटा हुआ मसाला आपको बताया था हक्का मसाला, वो इस गरम तेल में थोड़ा इसको उसी में डाल दिया था। गैस बंद कर दिया था लेकिन तेल गरम था, ये उसमें पक चुका है। अब इस तेल को इस मसाले में ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल के साथ और फिर हम इस पे अपने राइस बिछा देंगे। टोटल तेल मैंने इसमें 1.5 कप तेल लिया है। अब ये तेल मैंने इसमें मिक्स कर दिया अच्छे से। अब हम इसमें हमारे ये वाइट राइस नीचे रखेंगे और इसको पूरी तरह से चारों तरफ मसाले के ऊपर पूरा फैला देंगे हम लोग। मैं ग्रीन राइस मिला दूंगी जो कलर करके मैंने रखे थे साइड पर, अब ये ग्रीन राइस इसमें मिला दूंगी। मैं मिलाऊंगी येलो राइस। ये मेरा हो गया है। अब इसको हम धीमी आंच पर, पहले हम इसको 5 मिनट फुल आंच पर पकाएंगे, फिर इसको धीमी आंच पर 40 मिनट तक के दम कर लेंगे। 20 मिनट के बाद हम इसके नीचे तवा रख देंगे। 20 मिनट के बाद अब इसको गैस पर रखने से पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा बची हुई जो मेरी ब्रिस्ता की प्याज थी मैंने थोड़ी निकाल ली थी,
और ये इसके ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं गैस चालू करती हूँ। ये मैंने गैस चालू कर लिया, अब इसके ऊपर मैं हमारा ये रख दूंगी। इसको मैं 3-4 मिनट तक के फुल गैस पे पकाऊंगी। दूध लिया है, ये मैंने 1 कप दूध लिया है। अब इस दूध को हम बिरयानी में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्ला, अब इसको कवर कर देंगे। इसको 20 मिनट हो चुके हैं। अब 20 मिनट के बाद मैं इसके नीचे तवा रख दूंगी। ये मेरा मोटे पिंडे का तवा है जिसको मैं इसी चीजों में यूज करती हूँ। और अब मैं इसके ऊपर इसको 20 मिनट और पकने दूंगी। आज को मैं अभी 1 मिनट के लिए फुल कर दूंगी ताकि हमारा तवा जल्दी से। ये मैंने गैस चालू कर लिया, अब उसके ऊपर मैं हमारा ये रख दूंगी। इसको मैं 3-4 मिनट तक के फुल गैस पे पकाऊंगी। दूध लिया है, ये मैंने 1 कप दूध लिया है। अब इस दूध को हम बिरयानी में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्ला, अब इसको कवर कर देंगे। इसको 20 मिनट हो चुके हैं। अब 20 मिनट के बाद मैं इसके नीचे तवा रख दूंगी। ये मेरा मोटे पिंडे का तवा है जिसको मैं इसी चीजों में यूज करती हूँ। और अब मैं इसके ऊपर इसको 20 मिनट और पकने दूंगी। आज को मैं अभी 1 मिनट के लिए फुल कर दूंगी ताकि हमारा तवा जल्दी से गर्म हो जाए। और फिर धीमी आंच करके इसे 20 मिनट और पकने देंगे। ओके, तवे पे रखे हुए इसे 20 मिनट पूरे हो गए हैं। अब मैं इसमें मैंने यहाँ पर कोयला लाल करने रख दिया है। कोयला लाल हो चुका है, अब इसके ऊपर हम कोयले का बघार करेंगे। मैं एक ये प्याली ले लूँगी और ये प्याली को बिरयानी के बीच में हम इस तरह से रख देंगे। और ये हमारा लाल किया हुआ कोलसा भी रख देंगे। और इस पर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसको ढक देंगे। बस इसे 5 मिनट ऐसे ढका हुआ रहने देंगे, फिर 5 मिनट के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। अब हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर से कोयला निकाल लेंगे। ये कोयले की प्याली हम निकाल लेंगे बाहर। अब इसे मैं डिश आउट करूंगी। हमारी बिरयानी रेडी है। तो ये हमारी हैदराबादी बिरयानी रेडी है। और आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आगे की वीडियो आप लोग क्या देखना चाहते हैं वो भी बताना। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।